मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार 5 मार्च की रात से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से 5 से 7 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार के मौसम की बात करें तो यहां राजधानी पटना सहित सभी जिलों में प्री मॉनसून की पहली बारिश का दौर थमता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि बिहार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं झारखंड की मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने झारखंड के वेदर को लेकर बताया कि राजधानी रांची में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 6 और 7 मार्च को आंशिक बादल आसमान में नजर आ सकती है, कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार हैं। हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में बारिश के आसार हैं। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में मंगलवार को ओलावृष्टि और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सूबे के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम बिल्कुल साफ नजर आएगा। 6, 7 और 8 मार्च को भी पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 6, 7 और 8 मार्च को भी पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है।